मित्रों नमस्कार, आज आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सब्जियों का महत्व और उपयोगिता के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है और उसमें लगभग 70% जनसंख्या शाकाहारी है। शाकाहारी भोजन में सब्जियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे हमको बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और यद्यपि कुल भोजन का हम ये जो सब्जियां हम खाते हैं मात्र 8 से 10% भाग ही होती हैं, लेकिन ये 8 से 10% भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनको कच्चा खाया जाए तो इनसे अधिक फायदा होता है, क्योंकि पकाने पर कुछ पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। विकासशील देशों में इसकी मात्रा कम है, जबकि विकसित देशों में जैसे अमेरिका है उसमें भोजन में 40 से 50% भाग सब्जी का होता है, जापान में 45 से अधिक% है, इसी तरह से दूसरे देशों में ये अधिक मात्रा में भोजन में समावेश होता है। लेकिन हमारे देश में जनसंख्या अधिक होने के कारण हम उतनी सब्जी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। सब्जियों में दो प्रकार के पोषक तत्वों को वर्णन किया गया है, ऐसे तत्व जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं और दूसरे उस तरह के तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वालों में कार्बोज, प्रोटीन, वसा, सुरक्षा प्रदान करने वालों में खनिज, विटामिन और उक्षांश या रेशा का विशेष महत्व होता है। विशेषकर इसके अलावा भी कुछ सब्जियों में विशेष तत्व पाए जाते हैं, जैसे रूटीन, क्यूरोसिटीन, कीटोन, फ्लेवोनॉइड, बायोफ्लेवोनॉइड, डाइसरीन, एस्पेराजिन, चेरेटीन, एलिसिन एंड करकुमिन। ये बहुत सारे यौगिक सब्जियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिनको हम सब्जियों से बड़ी सस्ती और सुलभ रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है संतुलन आहार की, तो मानव स्वास्थ्य रहने के लिए संतुलित भोजन का बहुत आवश्यक है। विकासशील देशों में जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो उनके पास संतुलित भोजन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सब्जियों की उपलब्ध हैं और उनका वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे देश में सब्जियों की इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मात्रा भी 210 ग्राम सब्जी उपलब्ध हो पा रही है, जबकि आवश्यकता हमारे 300 ग्राम की है। तो मनुष्य के केवल अनाज पर आश्रित नहीं रह सकता है, जो कि मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाले होते हैं, उनको भी उसके लिए आवश्यक है। अंडा, दूध, मछली, मांस, दालों आदि में कुछ मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है, परंतु शाकाहारी भोजन के लिए दाल और दूध ही एकमात्र है जो प्रोटीन का साधन है। परंतु ये महंगे होने के कारण सभी गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और उसके लिए ऐसी स्थिति में शाकाहारी के लिए ये आवश्यक है कि वो सब्जियां ही एकमात्र साधन है सस्ता और सुलभ, जिनसे वो अपने शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं और आसानी से उनको प्राप्त कर सकते हैं। परंतु बीमारियों से बचाव हेतु एवं सौंदर्यपूर्ण स्वास्थ्य हेतु भोजन में खनिज तत्वों का भी समावेश होना अति आवश्यक है। खनिज, लवण, विटामिन स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, जिसमें आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। इनके संतुलित उपयोग से भोजन हमारा संतुलित बना रहता है और हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से हमारे शरीरों की रक्षा करता है। मानव को प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है, जिसमें से 90 ग्राम जबी सब्जी जड़ प्रधान या तने वाली होनी चाहिए और 90 ग्राम सब्जी सेम वर्गीय होनी चाहिए जिससे प्रोटीन उपलब्ध हो, और 120 ग्राम सब्जी पत्ते वाली होनी चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिजों की उपलब्धता होती है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सब्जियों से प्राप्त ऊर्जा, आलू के अंदर 410 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, जबकि पत्ता गोभी से 88 किलो कैलोरी प्रति पौंड उससे मिलती है। गाजर से 205 किलो कैलोरी ऊर्जा, इसको मैं आपको बोर्ड पर लिख करके भी दिखलाऊंगा। इसी तरह से गाजर में भी 101, टमाटर में किलो कैलोरी ऊर्जा होती है,
गाजर में 205 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और मटर के दाने में 1467 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मित्रों, इस तरह से ये सब्जियां बड़ी ही सस्ती और सुलभ हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब सब्जियों का महत्व इस प्रकार से है, भोजन में हमारे भोजन का सब्जी एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अनेकों प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रासायनिक और रेशा होता है, जिससे जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। सब्जियों से हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के द्वारा बहुत से जो अम्ल बनते हैं उनको निष्क्रिय करने में सब्जियां विशेष योगदान रखती हैं। सब्जियों का औषधीय महत्व भी है, सौंदर्यात्मक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है, व्यावसायिक महत्व भी है। निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं, बीजोत्पादन करके एक व्यवसाय के रूप में भी सब्जियों को उगा सकते हैं। रोजगार के अवसर प्रदान करती रहती है क्योंकि ये एक बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं, इसलिए इनको एक वर्ष में एक इकाई क्षेत्र से कई कई फसलें हम उगा कर उससे रोजगार के अवसर प्राप्त करती हैं और ये हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें खनिज विटामिन है जो कब्ज को दूर करता है, पाचन की शक्ति को बढ़ाता है और हमारी भूख बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार से ये सब्जियाँ हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला एक स्रोत है और इसमें कैलोरी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। सब्जियां अनाजों की अपेक्षा 4 से 5 ऊर्जा प्रदान करती हैं। आलू एक पूर्ण ऊर्जा देने वाला आहार कहा गया है। जब हमारे देश में अन्न की कमी थी उस समय आलू का उपयोग एक भोजन के रूप में किया जाता था, आलू, शकरकंद, गाजर। आज भी उन क्षेत्रों में जहाँ पर अनाज की कमी होती है वहाँ पर आलू, गाजर, शकरकंद इनको स्टेपल फूड के रूप में लिया जाता है और इनसे 23 से 27% तक कार्बोज प्राप्त होता है। ये सबसे अच्छे स्रोत मरावली, शकरकंद, आलू, अरवी, मटर, ग्वार, ये सस्ता और सुलभ साधन है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मरावली या टेपोका में 38.1% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अरवी में 21.1% है, गाजर में 10.6%, शकरकंदी में 28.2%, आलू में 23.23%, मटर में 5.9%, ग्वार में 10.8%, चुकंदर में 8.8%। इस प्रकार से कार्बोज हमारे लिए बहुत ही आवश्यक ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व है। इसकी पूर्ति खाद्यान्नों से यद्यपि हो जाती है लेकिन ये सब्जियों में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा पोषक तत्व हमारे सामने प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सब्जियों में जो दो दालें वाली सब्जी होती है, जैसे सेम वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन एक ऊर्जा का स्रोत है और शारीरिक वृद्धि और विकास में बहुत आवश्यक है और जो नए ऊतक या टिश्यू बनते हैं उसके निर्माण में एक सक्रिय योगदान करते हैं और शरीर में क्षारीय प्रभाव को बनाए रखने में मदद करते हैं। कभी कभी भोजन में अंडा, मांस इत्यादि खाने से बायोलॉजिकल फूड के क्षारीय माध्यम असंतुलित हो जाता है तो उसको ये प्रोटीन संतुलित रखती है। सामान्यतः सेम वर्गीय सब्जियों में लगभग 14% तक प्रोटीन पाई जाती है लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें इसकी मात्रा अधिक होती है, जिसमें एक विंग्ड बीन है जो कि दक्षिण भारत में उगाई जाती है और इसे अब तराई के क्षेत्र में भी उगाया जाने लगा है। इसमें 25 से 35% प्रोटीन पाई जाती है। और दूसरा सबसे अच्छा साधन सोयाबीन है। सोयाबीन को सब लोग जानते हैं, 40 से 43% के इसमें प्रोटीन पाई जाती है। मटर में 7.2% प्रोटीन होती है, सेम में 3.8% होती है, सहजन की पत्तियों में 6 से 7% प्रोटीन होती है, करी पत्ता में 6.0% प्रोटीन होती है। इस प्रकार से ये कुछ अधिक प्रोटीन देने वाले बने। इसके अलावा गार्डन क्रेस एक सब्जी है जिसमें 5.8% पत्तेदार सब्जी है और जलीय भागों में उगती है। लोबिया में 4.3% प्रोटीन होती है। इस प्रकार से कहने का मतलब है मित्रों कि हमको प्रोटीन
सब्जियों की जो फसलें हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं और जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिदिन टूट फूट होती रहती है उसको प्राप्त कराने का एक अच्छा सुलभ साधन है। और इसमें पर्याप्त मात्रा में जिसमें लाइसिन है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, क्योंकि कई अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो इनको बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और सब्जियों में ये सस्ता और सुलभ साधन है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वसा। यद्यपि सब्जियाँ वसा के लिए उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती है, लेकिन वसा एक सब्जियों में 0.1% से लेकर 0.2% तक होती है और ये बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु के टूटने से हमको 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि एक वसा के अणु को टूटने से 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कार्बो से 2.5 गुना ऊर्जा वसा देती है। इस प्रकार वसा का ऊर्जा देने के लिए बहुत ही अच्छा एकमात्र साधन है और विशेष परिस्थितियों में ये हमारे शरीर के अंदर एकत्र होती है। जब आवश्यकता से ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाके जमा हो जाता है और वो त्वचा के नीचे जो सतह होती है उसमें रहता है और एक अस्तर के रूप में, जैसे कोट के अंदर अस्तर लगता है उसी तरह से ही हमारे कोट के शरीर में अस्तर के रूप में कार्य करती है और हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। और विशेष परिस्थितियों में जब आदमी भोजन नहीं करता है तो ये उपापचय के द्वारा वहाँ से शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो वाह्य त्वचा के नीचे जो परत होती है उसमें ये पाई जाती है और इसके सबसे अच्छा स्रोत खरबूजा, तरबूजा, खीरा, करेला, तुरई, काशीफल आदि के बीज, जिनको हम कई विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। जब सब्जी बनाते हैं तो कच्चे रूप में भी खाया जाता है। खरबूजे के बीज को लोग मिठाइयों में डाल करके भी खाते हैं। सहजन की पत्तियाँ, करी पत्ता, अगेथी, ये वसा के अच्छे स्रोत हैं और वह भोजन को स्वादिष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद हमारे सामने एक पोषक तत्व है रेशा, या जिसको रुक्षांश कहते हैं, रफेज कहते हैं। ये भी हमारे भोजन में एक मुख्य भाग है। इसका होना अति आवश्यक है। रेशा पाचन क्रिया को दुरुस्त ठीक रखने में मदद करता है, कब्ज को रोकता है और पाचन तंत्र के अंदर जो आहार नाल है उसमें भोजन को ढकेलता है, जिससे कि उसका से पाए जाने वाले सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, ये सब हमारे शरीर को प्राप्त होते रहते हैं। आहार नाल में भोजन नीचे की धकेलने का काम रेशा करता है। भूख को शांत करने के लिए ये एक बल्कि होने की वजह से लग्जेटिव की तरह से कार्य करता है। उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगों से बचाता है। पित्ताशय में पथरी बनने को रोकता है। छोटी आंत में कैंसर होने से बचाता है और मानव को मोटा होने से बचाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाकर उसको संतुलित रखता है। इस प्रकार से रेशा हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बहुत अच्छे स्रोत सब्जियों में पाए जाते हैं, जिसमें हरी मिर्च, जिसमें 6.8% रेशा पाया जाता है, परवल में 3.04%, इसके अलावा हरी मटर में 3.2%, ग्वार की फली में 3.0%, परवल में 3.0%, लोबिया में 2.0%, और सबसे कम पालक, जिसमें 0.5% रेशा पाया जाता है। रेशा मांस, मछली, पनीर आदि की पाचन क्रिया में भी बनने वाले अम्लों को निष्क्रिय करने में या उनको कम करने में मदद करता है। इस प्रकार से रेशा हमारे शरीर में अत्यंत लाभदायक पोषक तत्व है। कुछ आपको डेटा देना चाहता हूँ और इस डेटा के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने इस पुस्तक से लिया है, सब्जी उत्पादन के नवीन सिद्धांत एवं तकनीकी। ये दुर्वेश कुमार सिंह एवं चंद्रपाल सिंह द्वारा लिखी गई है और गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं विश्वविद्यालय पंतनगर से है और उनमें पहला लेखक दुर्वेश कुमार सिंह मैं हूँ। तो इसके मैं कुछ आंकड़े आपको देता हूँ। मित्रों, इस सारणी के माध्यम से मैं आपको गेहूँ, चावल, आलू की फसलों में पोषक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया उसका विवरण दे रहा हूँ। ये सारी कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ऊर्जा
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में दी गई है, जिसमें गेहूं में 519 कार्बोज पाया जाता है और प्रोटीन 81 किलोग्राम, वसा 10, खनिज लवण 7 और ऊर्जा 2422 किलो प्रति हेक्टेयर। चावल में 710 किलोग्राम, प्रोटीन 64 किलोग्राम, वसा 11 किलोग्राम, खनिज लवण 7 किलोग्राम और ऊर्जा 3163 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पाई होती है। जबकि आलू में 1335 किलोग्राम कार्बोज प्रति हेक्टेयर होता है और प्रोटीन 139 किलोग्राम, वसा 7, खनिज लवण 69 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ऊर्जा 5664 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब इस चावल टेबल को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलू एक सब्जी की फसल है, जिसमें गेहूं और चावल की अपेक्षा कार्बोज भी अधिक है, प्रोटीन भी अधिक है, वसा के मामले में सब्जियां कमज़ोर होती हैं, 0.1 से 0.2% पाया जाता है, जबकि खनिज इसमें चावल और गेहूँ दोनों से अधिक है आलू में। उसी प्रकार से ऊर्जा भी देखिए यहाँ पर अधिक है। तो इस प्रकार से हमारी सब्जी की फसल गेहूँ धान की अपेक्षा अधिक कार्बोज, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण तथा ऊर्जा प्रदान करती है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस पुस्तक का प्रयोग करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस लेक्चर का शेष भाग मैं अगले वीडियो में लूँगा, क्योंकि यदि इस वीडियो में देता तो वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्री अकादमी पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।